दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों यूपी NHMCHO 5500 पोस्ट की वैकेंसी के लिए आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, जो आप सभी को यहां पर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड सर्टिफिकेट को लेकर, साथ ही आप सभी के CCHN सर्टिफिकेट को लेकर और वैकेंसी की जो सैलरी है उसको लेकर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है और उम्मीदवारों के इससे रिलेटेड कमेंट भी हैं, क्योंकि जो कमेंट है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। क्योंकि इस पोस्ट के लिए 5,505 पोस्ट के लिए जो उम्मीदवारों का पहला कमेंट है कि सर क्या इसके अंदर जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं है कोविड की, क्या उन्हें कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं वीडियो में भी आप सभी को बता चुका हूं कि जब नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ किया जाएगा तो उसमें मैंने आप सभी को बता दिया है कि उन्हीं उम्मीदवारों को इन चीज़ों का लाभ मिलेगा जिनके पास कोविड का सर्टिफिकेट है, वरना और किसी अन्य व्यक्ति को इस वैकेंसी के अंदर अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों उम्मीदवारों के एक और कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने CCHN जो है किया हुआ है तो क्या हमारी जो सैलरी है वो क्या 10,000 रहेगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जिन उम्मीदवारों ने यह कमेंट किया है, लगातार इसके रिगार्डिंग 3-4-5 कमेंट आए हैं और उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को बता दूं कि जो 10,000 सैलरी की बात हो रही है और साथ ही यहाँ पर CCHN सर्टिफिकेट को लेकर बात हो रही है, क्योंकि हमने तो इस कोर्स की प्रिपेयर कर चुके हैं तो क्या हमें यह कोर्स कराया जाएगा। अगर दोस्तों हमारे पास सर्टिफिकेट है तो क्या हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, क्या जो हमारी मंथली पेमेंट है क्या वो 10,000 है, इसके बारे में मैं आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का यहां पर किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उसके रिगार्डिंग एक बिगेस्ट अपडेट आ रही है जो मैं आप सभी को देने वाला हूं कि यहाँ पर किसका लाभ हो सकता है, कि क्या जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट है क्या उनको नॉर्मलाइजेशन का लाभ होगा, क्या जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है क्या उनको इस चीज़ का लाभ नहीं होगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आप सभी को बताऊँगा 10,000 सैलरी की जो बात की गई है और साथ ही यहाँ पर जिनके पास CCHN सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग जो लगातार उम्मीदवारों के कमेंट आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सभी को बताया गया है कि जो 10,000 सैलरी की जो उम्मीदवारों द्वारा बात की जा रही है, जिसमें कि यह बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेसिक इंसेंटिव में जो आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो पहला नंबर जो नोट है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10,000 सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी विल बी ऑफ्टन पुड स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। यानी कि दोस्तों जितने समय आप सभी की ट्रेनिंग पीरियड चलेगी उस समय तक उम्मीदवारों को यहां पर 10,000 रुपया दिया जाएगा और साथ ही दोस्तों यहां पर 10,000 देने के बाद आप सभी को विच इंक्लूडेड बॉन्डिंग एंड यहां पर जो है जो दी जाएगी। यानी कि दोस्तों बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि बहुत ही सारी चीज होती है कि किसी चीज की सरकार द्वारा व्यवस्था करना या उन चीजों को लेकर उम्मीदवारों को जो वेतन है, जो उनके अपने एक्सपेंसेस खर्च हैं उनके लिए उन्हें कोई भी चीज़ की नीड होगी तो वह जो है यूपी NHM डिपार्टमेंट द्वारा पहुंचाई जाएगी। इन चीज़ों को लेकर यहां बताया गया है कि जो 10,000 मंथ है, जो 10,000 सैलरी है वो आपको ट्रेनिंग के पीरियड समय दी जाएंगी, जिसमें कि आप सभी के रहने खाने के जो खर्चे हैं वो यहां पर सरकार द्वारा ही उठाई जाएगी। तो इन चीज़ों को लेकर बताया गया है, क्योंकि दोस्तों जो ब्रांडिंग होती है वो बहुत ही विभिन्न प्रकार के चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, आप जैसे कि सोच सकते हैं या आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग कार्ड होती है, बॉन्डिंग हाउस होती है, यहाँ पर जो है बोर्डिंग स्कूल होती है, इन चीज़ों की प्रक्रियाओं से आप समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो की जाएगी वो आपके यहाँ पर जब आपको ट्रेनिंग के समय जब बुलाया जाएगा तो आप सभी को इन चीज़ों की प्रक्रियाओं के बारे में पूरे तरह से यहाँ पर जो है समझा दिया जाएगा कि किन किन चीज़ों पर आप सभी को एक्सपेंसेस हो लगने वाले हैं या नहीं लगने वाले हैं। तो दोस्तों जो कैंडिडेट बात कर रहे हैं 10,000 सैलरी की, तो दोस्तों वो आप सभी के यहाँ पर जो है ट्रेनिंग पीरियड समय वो आप सभी के वेतन हैं। दोस्तों अगर आपके ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होते हैं तो आप सभी को जो सैलरी है वो 35,500 मिलेगी,
20,500 आप सभी के यहाँ पर वेतन होंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी के यहाँ पर 15,000 जो है इंसेंटिव मिलेगी, तो अन सभी को इंक्लूड कर जो आपकी सैलरी है वो 35,500 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यह कन्फ्यूज़न है आप सभी को दूर हो गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट्स के लगातार कमेंट आ रहे हैं कोविड सर्टिफिकेट को लेकर। तो नोटिफिकेशन के रूल्स के अनुसार अगर आपके 57 भी मार्क बन रहे हैं या 47 भी मार्क बन रहे हैं तो आप यह जान लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगा है तो एक या दो नंबर आप सभी के इंक्रीज होने ही वाले हैं। पर दोस्तों आप सभी को यह चीज़ बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट है उनके पास 5, 10, 15 मार्क्स हैं, वो ईजिली इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उनके ज़्यादा चांसेस भी बन रहे हैं। तो यह बात आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। अगर आपने कोविड के समय काम किया है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों आपको इस भर्ती के अंदर जो सरकार द्वारा छूट दी गई है उसका इसमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम बात कर लें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को किसका फ़ायदा होगा। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन अगर इक्वली पैटर्न पे किया जाता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा उन अभ्यर्थियों को होगा जिन्होंने कोविड के समय काम किया है। फिर दोस्तों उन अभ्यर्थियों को होगा कि जिनके नंबर ऑफ परसेंटेज कम है उनको डायरेक्ट ही इन चीज़ों का लाभ मिलने वाला है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अगर एक एग्ज़ाम्पल के तहत में देखें कि अगर आपके जो है करेक्शन जो है आपने यहाँ पर 60 यहाँ पर जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जिसमें कि अगर आपके 5 गलती होते हैं तो आप सभी के 55 नंबर आ रहे हैं। पर दोस्तों अगर आपके पास कोविड सर्टिफिकेट है तो आप सोच सकते हैं कि 15 मार्क्स और आपको और मिले तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 70। यानी कि दोस्तों जो वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन में की जाएगी वो 55 मार्क्स पर की जाएगी। अगर इसमें से जो पेपर की इक्वलिटी देखकर अगर आपके 5 नंबर भी डिक्रीज़ की जा रहे हैं और 35 वाले को दिए जा रहे हैं तब भी आपकी जो कोविड सर्टिफिकेट है वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान आप सभी के इस भर्ती में यहाँ पर मिलने वाले है। और जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है रोल प्ले करने वाली है। तो इजी आप समझ सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मिलने वाली है और जिनके परसेंटेज कम है, मैंने जैसे ही कहा है कि दोस्तों ऑब्जेक्शन में आप सभी को पूरे यहाँ पर नंबर 3 नंबर हर एक स्टूडेंटों के मिलने की पूरे तरह से चांस है। और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है तो जिसमें कि सबसे जो टफ लेवल उम्मीदवारों द्वारा बताया जा रहा है जो 4 तारीख को 3rd shift की पेपर है उसके अंदर हर एक कैंडिडेट को 4 से 5 मार्क्स की जो बेनिफिट यहाँ पर जो है 100% दोस्तों होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इजी पेपर का कोई अभी तक लेवल निकल कर नहीं आ पाया है कि इजी पेपर किस किस लेवल पर यहाँ पर की जाएगी, तो इन चीज़ों का आप सभी को पूरे तरह से बेनिफिट इस भर्ती के अंदर मिलने वाला है। तो जो भी क्यूरीज है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमारे चैनल स्टडी जोन की तरफ से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।